अयोध्या में हिंदी पखवाड़ा दिवस पर आयोजित हुआ काव्य गोष्ठी नाका शाखा SBI बैंक में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर SBI बैंक शाखा प्रबंधक नमिता साहू ने कहा कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और हिंदी देश के सभी लोगों को जोड़कर रखने में अहम भूमिका निभाती है। वर्तमान परिस्थिति में भारत के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा का महत्व बढ़ना भी निश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। मौके पर मौजूद कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। वहीं कवि रामानंद सागर ने कहा कि सुरसुर तुलसी रवि उदयगढ़ केशव दास अब के कभी खाद दोस्त समझह तह करत विकास रामानंद सागर ने बताया कि सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास रवि के समान। इस मौके पर महान कवि शरद जी, नियामत फौजी, अंजनी शेष, उपशाखा प्रबंधक DV सिंह, KK राम, जितेंद्र, संदीप, अमरजीत कौर, विनय शाहू, देवेंद्र तनेजा, शिवराम वाल्मीकि, अरुण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। हमारे यहाँ कवि आए हैं, शायर आए हैं, जिन्होंने ये सब हम लोग को सुनाया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आज हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे माननीय कवि एवं शायर उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जा से हमें और भी ऊर्जावान किया। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में पढ़ा जाए, हिंदी में लिखा जाए और हिंदी बोला जाए, और हम सबसे यही चाहेंगे कि हिंदी में ही सारा काम किया जाए, बैंक का भी काम हिंदी में ही किया जाए। देखते रहिए DV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।